Will you be my girlfriend? किस करे बिना हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में कुछ इस टाइप की एडिटिंग सिखाने वाला हूं आपको। सभी मटेरियल का डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेना है। अगर आपके पास न्यू वर्जन अलाइट मोशन ऐप नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक से आप न्यू वर्जन अलाइट मोशन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आपको प्रोजेक्ट्स पर क्लिक करना है। यहाँ आपको चार प्रोजेक्ट मिलेंगे, HDR, CC, Filsets, Shake एंड टेक्स्ट एंड बीट। तो आपको बीट मार्क फाइल को ओपन करना है। यहाँ आपका सॉन्ग ऐड होगा तो आप इसे डिलीट कर देना, क्योंकि आपके में एरर तो हो रहा होगा। उसके बाद आपको ऑडियो में जाके अपने सॉन्ग को ऐड कर लेना है, जो मैंने आपको डाउनलोड करने के लिए दिया है। ऐड होने के बाद अब आपको इसमें क्लिप ऐड करनी होगी। तो क्लिप ऐड करने के लिए प्लस आइकन पर क्लिक करना है, फिर मीडिया में जाना है, फिर जिस फोल्डर में आपकी क्लिप डाउनलोड हुई है वहां से आपको डायलॉग क्लिप को सिलेक्ट करके ऐड कर लेना है। ऐड होने के बाद अब आपको क्लिप में एक एक्स्ट्रा पार्ट दिखेगा, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है क्लिप पर, एंड बिटमार प्रोजेक्ट तक लेकर आना है, एंड उसके बाद इसको कट कर देना है। ये एक्स्ट्रा इसके लिए दी। बाद में एक्सपोर्ट होने के बाद क्लिप की लेंथ छोटी हो जाती है, तो आपको प्रॉब्लम होती, इसलिए लेंथ बढ़ाकर आपको मैंने प्रोवाइड की है। एंड इसी तरह आपको क्लिप वन को ऐड कर लेना है, तो क्लिप वन को सिलेक्ट करके आपको ऐड कर लेना है। एंड इसकी भी लेंथ बड़ी होगी तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट करके आप इसको कट कर लेंगे। तो ये आपकी पहली क्लिप भी ऐड हो गई। इसी तरह आपको दूसरी क्लिप को भी ऐड कर लेना है, ऐड सेलेक्ट करके आपको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद इसको भी आपको कट कर देना है अपनी बिटमार्क प्रोजेक्ट के हिसाब से, जिस हिसाब से बिटमार्क लगे हुए हैं उस हिसाब से आपको कट कर लेना है। तो ये थर्ड क्लिप को आपको इसको भी कट कर लेना है। तो मैं सभी क्लिप्स को ऐड कर लेता हूँ जिससे वीडियो बड़ी ना हो। तो सभी क्लिप्स ऐड होने के बाद अब हमको इसमें इफेक्ट्स ऐड करने हैं। तो सिंपली आपको इस प्रोजेक्ट से बैक जाना है, और मैंने आपको एक फाइल दी है शेक इफेक्ट प्रीसेट, तो इसमें जाके आपको डायलॉग इफेक्ट ऐड करना है। तो डायलॉग इफेक्ट फाइल पर क्लिक करना है, एंड इफेक्ट्स में जाके आपको थ्री डॉट में क्लिक करके एंड कॉपी इफेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको इस प्रोजेक्ट से बैक जाना है, एंड बिटमार प्रोजेक्ट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको डायलॉग क्लिप पर सिलेक्ट करके यहाँ पर आपको थ्री डॉट पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है। इधर आपको क्लिप वन पर इफेक्ट ऐड करना है। आपको सिंपली इसे एक इफेक्ट फाइल पर आना है, क्लिप वन को सिलेक्ट करके आपको ऐड इफेक्ट पे जाना है, एंड यहाँ पर आपको कॉपी इफेक्ट कर लेने हैं। कॉपी इफेक्ट करने के बाद आपको बिटमार प्रोजेक्ट पर आना है, एंड क्लिप वन पर क्लिक करके आपको इफेक्ट पे जाके एंड इसको थ्री डॉट पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट्स कर देना है। इसी तरह से आपको दूसरी, तीसरी, इसी तरह आपको सभी क्लिप्स पर वन बाई वन इफेक्ट ऐड कर देना है। शेक इफेक्ट ऐड होने के बाद अब आपको डायलॉग टेक्स्ट को ऐड करना है। तो सिंपली इस प्रोजेक्ट से बैक जाना है। मैंने आपको टेक्स्ट इफेक्ट फाइल दी है, तो फाइल को ओपन करने के बाद आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करके सिलेक्ट ऑल लेयर कर लेना है। उसके बाद इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपको कॉपी टू लेयर्स कर लेना है। फिर आपको इस प्रोजेक्ट से बैक जाना है, एंड आपको बिटमार प्रोजेक्ट को ओपन करना है, एंड आपको फर्स्ट बिटमार पर आकर इस ऑप्शन पर क्लिक करके पेस्ट टू लेयर कर लेना है। अब आपका टेक्स्ट इफेक्ट ऐड हो गया है। अब आपका टेक्स्ट इफेक्ट ऐड हो गया है, क्लिप्स ऐड हो गई हैं, एंड शेक इफेक्ट ऐड हो गया है। अब इसमें कुछ लोगों को प्रॉब्लम होगी फॉन्ट ऐड करने में। अगर आप फॉन्ट ऐड नहीं कर पाते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो की लिंक मिल जाएगी, हाउ टू ऐड फॉन्ट। तो आप उस पर क्लिक करके आप सीख सकते हैं कि किस तरह से फॉन्ट ऐड करना है। अब आपको HDR CC फाइल ऐड करनी है, तो सिंपली इस प्रोजेक्ट से बैक जाना है, फिर HDR CC प्रीसेट पर क्लिक करके आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करके सिलेक्ट ऑल लेयर कर लेना। फिर इस ऑप्शन पर क्लिक करके कॉपी फोर लेयर्स करके आपको बैक आ जाना है। फिर बिटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन करना है, एंड इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपको पेस्ट फॉर लेयर कर देना है। तो आपकी CC इफेक्ट फाइल भी ऐड हो गई, एंड आपकी एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको सिंपली इस ऑप्शन पर क्लिक करके इसको एक्सपोर्ट कर लेना है।